गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। अभी हम हैं वियना ऑस्ट्रिया में। कल रात को हमने अपनी नाइट ट्रेन पकड़ के हम आ गए हैं यहाँ वियना में। कल सारा दिन बारिश पड़ती रही, मतलब कुछ खास करने को था नहीं। तो आज है लास्ट डे हमारे ट्रिप का, कल है हमारी फ़्लाइट और आज हम जितना घूम सके उतना घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और वियना जो पहले सबसे पहले और दूसरे एपिसोड में जो रह गया था। और हाँ, अभी भी तुम लोग देख सकते हो कि मौसम कुछ ख़राब हो रहा है, यहाँ पे धूप नहीं है, कभी धूप निकल आती है कभी बारिश पड़ जाती है, कुछ पता नहीं है। सही कह रहे ना, आज का मूड ख़राब कर दिया बारिश ने, कल भी बारिश आज भी बारिश। चलो वैसे हमारा सारा ट्रिप अच्छा गया, सारा जो ट्रिप था वो उसमें वेदर ख़राब नहीं हुआ, मतलब बारिश वगैरह नहीं पड़ी, जो कि अच्छी बात है। बाकी अभी हम जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने, उसके बाद जाएंगे और करेंगे थोड़ा एक्सप्लोर और भी है ना। और हाँ, चलते हैं और देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। लेट्स गो। आज फिर से वही हुआ जो हमारे साथ साल्ज़बर्ग में हुआ था। आज है संडे और हमें पता नहीं था, मतलब आज संडे है और अभी पता लगा सबके सब स्टोर्स बंद हैं। बहुत कम रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बट स्टोर्स जैसे सुपरमार्केट हो गया और ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह हो गया, सब बंद है। क्योंकि आज यहाँ पे यूरोप में ये कल्चर है कि संडे को सब कुछ बंद होगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सुपरमार्केट्स, ग्रॉसरी स्टोर्स। अभी हम जा रहे हैं हॉप वन हॉफ और थोड़ा शॉपिंग वगैरह करते हैं, होपफुली कुछ खुला हो। तो हाँ चलो, ये बस स्टेशन नहीं जा पाया था उसे, नहीं सब कुछ बंद पड़ा है, वो सारा वो मॉल है वो सब बंद पड़ा है। सुपर मार्केट मिल गई है, बहुत साइड पे जाके थी, बहुत मुश्किल से मिली है, बट लेट्स गो एंड सी व्हाट वी कैन बाय हियर। गए थे अपने हॉस्टल वापस, ये था हमारा हॉस्टल। अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, उस बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे, एकदम से वेदर बदल जाता है, गर्मी ठंड पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, बट हाँ ठीक है जो भी है। अब ट्रेन स्टेशन पीछे सी, उबान जाना थल्ले यूबान, तो अभी जा रहे हैं डीसी टावर। डीसी टावर जा रहे हैं अभी, एक्सट्रैक्शन 2 मूवी की शूटिंग वहाँ पर हुई थी, सबने देखी होगी आई गेस नेटफ्लिक्स पे, हर एक को पसंद है क्रिस हेम्सवर्थ, मुझे तो बहुत पसंद है क्रिस हेम्सवर्थ। तो उसकी शूटिंग वहाँ पर हुई थी, तो हमने ये लास्ट स्पॉट छोड़ रखा था वियना का वो देखने के लिए कि हम लास्ट डे जब आएंगे वो देखने जाएंगे। चलो आज संडे है, ये देखने जा रहे हैं हम लोग मेट्रो लेके। बिल्कुल, अभी जा रहे हैं डीसी टावर और 20-25 मिनट्स लगेंगे, हमने 24 आवर वाली 2 टिकट्स ले ली हैं। और हाँ, इन बिटवीन लाइक इन 20 मिनट्स विल बी देयर एंड विल शो यू गाइस हाउ इट इज। सो पहुंच चुके हैं फाइनली आउटसाइड डीसी टावर, Let's go and see how it is. Look at this. तो ये रहा सामने टावर और यहीं पे एक्सट्रैक्शन 2 की शूटिंग हुई है काफ़ी। अभी मैं खड़ा हूँ डीसी बिल्डिंग के बाहर, डीसी टावर तुम लोग देख सकते हो ऐसे बिल्कुल एकदम टॉप तक,
और यहीं पे एक्सट्रैक्शन 2 की शूटिंग हुई थी, अगर आप लोगों ने देख रखी हो। बाकी देखना, दोबारा से देखना, आपको ये व्यू दिखेगा प्रॉपरली। उसमें 3-4 सीन्स में दिखाया है, अंदर भी बाहर भी, और कुछ एरिया उधर का दिखाया है और कुछ एरिया उधर का जहाँ पे गाड़ियाँ ब्लास्ट होती हैं, ये सारी वही लोकेशन है। बहुत सोनी व्यू है ब्रो, लाइक काफ़ी अच्छा व्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं से ट्रैम्स आ रही हैं। इसके सामने वाली बिल्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है, वहाँ से पूरा व्यू दिखता होगा। ट्राई करेंगे ऊपर टॉप से जाके वीडियो शूट करने का, अगर परमिशन मिलती है तो, ठीक है। और क्या कहते हैं, बिकॉज आज संडे है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए हमने पहले ही बाहर से ही शूट कर लिया। बट हाँ, अभी चलते हैं, ट्राई करते हैं, अगर वो हमें एकदम टॉप पे जाके पूरे सिटी का व्यू रिकॉर्ड करने देता हूँ। चलो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ संडे, और ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ पे सब ऑफिसेज ही हैं, तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि नॉर्मल टूरिस्ट को मतलब हम नहीं देते परमिशन। हाँ, बट वो कह रहा था कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करें फूड वगैरह तो वहाँ से व्यू अच्छा आ सकता है, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। तो हाँ, हमने बस बाहर से फ़ोटोज़ ली, वीडियो रिकॉर्ड की, और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि अभी नहीं पता है, और देखेंगे। और ये देखो, हाँ ये रहा, हम फोटोज़ बन गई हैं, वो वाला टावर था, DC टावर टॉप पे। तो हाँ, अभी चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। अभी हम आ गए हैं अम्यूजमेंट पार्क, इस जगह का नाम स्पेटर है, और काफ़ी कूल प्लेस लग रही है, यहाँ पे देख सकते हो आप। रोलर कोस्टर, बट दुबई का रोलर कोस्टर सब तो फास्ट है ब्रो, फरारी वर्ल्ड का। मैं दुबई गया था जब, तब मैंने व्लॉग्स बनाए नहीं थे, बट वहाँ का जो रोलर कोस्टर है वर्ल्ड का फास्टेस्ट है। ये वाले छोटे मोटे रोलर कोस्टर तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ बच्चों के लिए अच्छे हैं। और ये भी एक लंदन में भी है ना ऐसा, दुबई में भी है, दुबई भी अलग से भी है, उसको फ्लैर कहते हैं, सिंगापुर में भी फ्लैर। बढ़िया, एकदम मस्त जगह गाइस, मस्ट विजिट इन वियना। फाइनली थोड़ी धूप निकलने लगी है, कम ऑन, मौसम बहुत बेकार हो रखा है, अदरवाइज यहाँ पे मज़ा आता, ठंड भी है बट थोड़ा धूप होती तो एकदम बैलेंस आउट हो जाता। कहना चाहेंगे प्लेस वाले बच्चों के लिए अभी हम जवान हैं, बच्चे हैं। अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही धूप निकली है, कुछ भी चल रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत बदल तो है, बट हाँ अभी जा रहे हैं डिनर करने, तो हाँ बस आज के लिए इतना ही। तो ये था मेरा लास्ट डे इन वियना और इसका, और हाँ इसके बाद कल है मेरी ट्रेन बर्लिन की, और इसकी अब फ्लाइट बैक टू वेयर, इस्तांबुल जाएगा वापस। आज है लास्ट डे, पूरा फन किया ट्रिप पे, और अभी जा रहे हैं डिनर करने, उसके बाद जाएंगे अपने हॉस्टल, करेंगे रेस्ट, फिर कल निकलना है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। तो हाँ,
Thank you so much if you're subscribing my channel. Support, like and subscribe. Bhai ka channel. Like aur subscribe kar do yaar. बड़ी जरूरत है आज. क्या देख रहे हैं? बड़ी जरूरत है भाई. सपोर्ट करो. लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करो. सपोर्ट कर दो भाई. लाइक कर दो. सब्सक्राइब कर दो. सब कुछ कर दो. कट्ठाई कट्ठाई कर दो. भाई की फैमिली में आ जाओ. नेट्स नेशन. चलो मिलते हैं आपको नए व्लॉग में. अंटिल देन नई कंट्री में नए व्लॉग में. अंटिल देन सी यू. टेक केयर. बाय बाय.